एंड मैं यहाँ पे आने के बाद आई एम श्योर दैट ये जो प्लेस है ये देखने में कोई स्विट्जरलैंड से कम भी नहीं है। व्हाट इज योर नेम? बुल्स ट्रैक आने की आप लोग प्लान बना रहे हो तो आप लोग ऊपर से कुछ भी लेकर मत आना, हम लोगों ने गलती करके कुछ लेकर आ गए। फ्रूट सैलेड, मिक्स फ्रूट सैलेड। सो गाइस, एज ऑफ नाउ वी आर हेयर इन शिलोंग एंड वी आर राइट नाउ वी आर eating some fruit salad, mixed fruit salad. As you guys can see on my background, there are lots of fruit salads and fruit huts over here. So it looks very nice also, and we want to enjoy more ahi. So here in this small and cute shop, we are buying some waters and cakes and something like chips and all for our trekking. क्योंकि हम लोगों का अभी जो trekking है वो almost 40 minutes to 1 hour का trekking होने वाला है. So that is why हम लोगों को राशन पानी थोड़ा बहुत we need that. So that is why we are buying these things. So check this view guys. मेघालय का एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ के जंगल काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ के जो पहाड़ों का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी देखने में खूबसूरत है, यानी कि बाकी जगहों के पहाड़ों से काफ़ी अलग है। एज यू गाइस कैन सी, अपने आप में काफ़ी एकदम सुंदर था बड़ा हुआ है। ओके, ये लोग का हिंदी का दंडा ना? हाँ, ये दंडा है, ये बिक्री का 20 का है, एकदम मैचिंग। तो ये यहाँ पे दादाजी अंकल काफ़ी मेहनत से जंगल से काट के लाते हैं बेम्बू ट्रैकिंग के लिए, स्पेशली जो यहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं उन लोगों के लिए। एंड यहाँ पे दे आर सेलिंग सम बेम्बूस एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, ओनली 20 रुपीस वापस आके देना होता है। सो काफ़ी बढ़िया है, मतलब 50 अगर नहीं दोगे तो 50 रुपीस। ओके, तो बाकी 20 रुपीस है, हम लोग बुल्स ट्रैक तक अभी जाके आराम से आ सकते हैं। स्पेशली लड़कियों को चाहिए, इन जैसे अट्टा कट्टो लड़कों को तो नहीं चाहिए। सो हे गाइस, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स बुल्स ट्रैक, वन ऑफ द फेमस प्लेस इन मेघालय। सो बुल्स ट्रैक जो कि काफ़ी फेमस है, जहाँ पे ट्रैक करके जाना होता है। एंड जगह कैसे है वो मैं आप लोगों को वहाँ पे पहुँच के बढ़िया से दिखाऊंगा, एंड आप लोगों को भी काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। एंड या वी आर मूविंग टूवर्ड्स बाई आवर फुट। आर यू गाइस एक्साइटेड? कितने एक्साइटेड हो? सो मच ओके। सो ये सब सबके सब शिलोंग में पहली बार है, यानी कि मेघालय में पहली बार है। ये कुछ मेघालय से बिलोंग करती है मृदुला, बट ये मतलब बॉर्डर एरिया से बिलोंग करती है, इसलिए शिलोंग एरिया इस साइड कभी नहीं आया। एंड ये मेरा तो सेवरल टाइम्स में विजिट कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो बाकी इन लोगों का तो पता नहीं इन लोगों का क्या हाल होने वाला है। अभी मुझे सुनने में आया कि पूरा डाउन, देखो पूरा इस तरह का डाउन, पूरा डाउन उतरना पड़ेगा हमें, एंड आने के टाइम पे हमें फिर चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू सेक्रीफाइस आवर एनर्जी, वी हैव टू सेक्रीफाइस आवर लेग्स एंड ऑल टू गेट सम ब्यूटीफुल प्लेस और टू गेट सम ब्यूटीफुल व्यूज। सो लेट्स सी। वाओ, यू लुक हैंडसम हैंडसम बॉय। वाह, यहाँ पे रास्ते में आपको काफ़ी प्यारे प्यारे इस तरीके के हट्स मिल जाएंगे, जो कि आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा जो चीज़ आपको चाहिए। बच्चे भी ट्रैकिंग करके आ गए। अरे देखो, बच्चे बिना लाठी का आ गए, तुम लोग लाठी पकड़ के आता है। वाह, ये भी देखो ना, स्मार्ट है आजकल का पूरा बच्चे लोग। वाह, देखो हाउ क्यूट दिस किड्स आर, इवन बच्चे भी ट्रैकिंग कर रहे हैं लेकिन ये लोग।
तो यहाँ से होता है हमारा डाउन स्टेयर स्टार्ट। ये बारिश के टाइम पे काफी फिसलन होगा, सो हम लोगों को वहाँ पे जाना होगा, पूरा इस जगह पे पूरा डाउन पे हम लोगों को जाना होगा। सो आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, आई वांट टू शो यू गाइस समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। सो लुक एट दिस व्यू, क्या बोलूँ, काबिले तारीफ है। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस व्यू। सो हम लोगों का जो बाकी ग्रुप है वो पीछे रह गए, मैं और ये मृदुला। सो हम दोनों पहाड़ से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम दोनों आगे उतर के आ गए। सो बाकी तो देख लो हम कितने दूर आए हैं, हमारा रोड वहाँ पे है, देखो रोड यहाँ इस जगह पे है, इस जगह पे आपको दिख रहा है, वहाँ से हम यहाँ से उतर उतर के बाप रहे अभी यहाँ पे आए ना, यहाँ पे आ गए। लेट्स सी, आई होप फॉर द बेस्ट। सो फिलहाल हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, वहाँ पे है बुल्स ट्रैक, तो हम लोगों को अभी और बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लोगों को उतरना बाकी है। हाय, हाउ आर यू? तो शर्मा रही है बच्ची। तो हम यहाँ पे पहली बार आए, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे इस तरह का जो बच्चे लोग हैं और यहाँ पे कुछ यूथ्स लोग हैं जो सेल करते हैं पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। सो अगर हमें पहले से पता होता तो ये हम ऊपर से लाते नहीं, इन लोगों से खरीदते। तो हम लोगों को पता नहीं था यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे लोग भी बेच रहे हैं, तो देखकर मतलब थोड़ा बुरा भी लगता है कभी कभी। सो ऑलमोस्ट वी आर हेयर। हेय, एज यू गाइस कैन सी, देखो गेट भी काफी नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है, पत्थर का एक गेट है जो कि काफी खूबसूरत है, एक ट्रेकिंग लवर को एक वाकई में एक ट्रेकिंग वाला फील देने के लिए यहाँ पे काफी खूबसूरत से पत्थरों का गेट बनाया हुआ है स्वागत के लिए। क्या बात है, हमारे लैंग्वेज में हमारा हुआ इसको तगिन अली कहते हैं, तो इन लोगों के लैंग्वेज में इस पत्थर को क्या कहते हैं पता नहीं, हम लोगों का लैंग्वेज में तगिन अली कहते हैं। इस पत्थर से काफी खूबसूरत से बनाया हुआ है। तो चलो हम लोग अभी सीधा एंट्री करते हैं, सीधा एंटर करते हैं बुल्स ट्रैक। और एक चीज काफी बुरा हुआ, मैं इस जगह के लिए, काश इस जगह के लिए और इस जगह में आ करके एक छोटा सा सॉन्ग कवर करने वाला था विद गिटार, बट मैं अपने गिटार को चोर आया कार में, तो अभी वापस जाके लूंगा। दिल तो कह रहा है वापस जाके लेकर आएगा, लेकिन दिस इज नॉट ए इजी टास्क, काफी चढ़ना पड़ेगा अभी, तो लेट्स सी नेक्स्ट लोकेशन पे करना पड़ेगा ये चीज। चलो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नदी है तो बोटिंग भी होता है, यहाँ से आपको जाना होगा बोटिंग स्टेशन, आप यहाँ पे उतरोगे तो आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पे इस वे में है टिकट काउंटर एंड मेन एंट्री गेट, आप यहाँ से बुल्स ट्रैक एंटर कर सकते हैं एंड यहाँ से बोटिंग स्टेशन। तो हम लोग आए थे वहाँ से, ऊपर से आए थे, पूरा सेल्फी ले रहा है एकदम बढ़िया से, पूरा शाम को इंस्टाग्राम में अपलोड होगा, मृदुला राबा है इंस्टाग्राम नेम ना, मृदुला पाम है। ओके, नरगिस व्हाट हैपेंड टू यू, अपना हाल क्या बना रखा यार, तुम तो इंग्लैंड जाने वाली थी। ओ, 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 ओ। ये हाल होता है जब आप इंग्लैंड वाला बेस बेस इंग्लैंड वाला बेस बनाकर जब ट्रैकिंग करने आते हैं। तुम तो तीखे ना, तुम तो तीखे ना। तो हम लोगों का बिचरा हुआ कुंभ मेला में बिचरा हुआ साथी लोग अभी आ गए, बढ़िया। तो पर मेंबर एंट्री फी इज जस्ट 70 रुपीज, जो कि आपको पूरे डाउन में उतरने के बाद आपको एंट्री टिकट लेना होता है। सो
आई थिंक इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि इन लोगों को भी काफ़ी मेहनत करना होता है ना वहाँ से इतना दूर चढ़ाई। व्हाट इज योर नेम? नानिसा। वाओ, आर यू स्टडिंग? आर यू स्टडी विच क्लास? क्लास 3। Where is your home? Where is your home? That mountain. This one? 60. 60. Hey Divan, you both are sisters. Okay. What's your name? Happy Bahan. कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, क्या है? तो ये ऑरेंज है। बुल्स ट्रैक पे जितने भी लोग इन पिक्चर आने वाले हैं मेरे इस वीडियो को देख करके, अगर कोई देख रहा है बुल्स ट्रैक आने की आप लोग प्लान बना रहे हो तो आप लोग ऊपर से कुछ भी लेकर मत आना, हम लोगों ने गलती करके कुछ लेकर आ गए। यहाँ पे काफी प्यारे प्यारे बच्चे है, मासूम मासूम बच्चे लोग है, और कुछ स्ट्रगलिंग यूथ लोग है जो यहाँ पे इतना पहाड़ से पूरा मैदान पे उतर के ये लोग कुछ ना कुछ बेचने के लिए आते हैं। भले 10-20 रुपया ज्यादा दे देना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोग यही से लेना, ऊपर से कुछ भी लेकर मत आना, ये मेरा सजेशन है। सो प्लीज ये चीज कर दो। तो बाकी तो एकदम टेस्टी है, एकदम जेन्युइन चीज बेचते है ये लोग, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज बेच डालते है, ऐसा नहीं है। तो सबको भी काफी अच्छा लगा। ये क्या हो गया? सब खुशी में है, 1, 2, 3 सब काफी खुश है इस नज़ारे से। सो है गाइस, फाइनली वी आर हेयर एट बुल्स ट्रैक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है मेघालय में, एंड ये जो टूरिस्ट प्लेस है बुल्स ट्रैक, ये ज्यादा समय हुआ नहीं है इनका इस्टाब्लिश किया हुआ। एंड जैसा कि मेघालय में और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेस है, जैसा लाइट लूम हो गया, चेरापुंजी हो गया, और भी कई सारे, वो सब कॉमन हो चुके हैं, बट ये अभी तक थोड़ा बहुत अनकॉमन है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी आ रहे हैं, चाहे जितना दिक्कत क्यों ना हो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। एंड ये जगह भी एक अपने आप में काफ़ी पीसफुल, एंड काफ़ी यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको जो महसूस होगा वो आप बयां नहीं कर पाओगे, और मैं भी खुद नहीं कह पा रहा हूँ मुझे कैसा महसूस हो रहा है। बस अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दुनिया और दुनियादारी से दूर वाला फील आ रहा है मुझे। एज यू गाइस कैन सी, दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ बुल्स ट्रैक। आप यहाँ पे बोट भी कर सकते हैं काफ़ी मज़े से रिवर, एंड यहाँ का हवाओं में काफ़ी ठंडक है, काफ़ी बढ़िया है। एंड अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे करीब जाकर दिखाऊंगा, करीब से दिखाऊंगा यहाँ का नदियों का व्यू, पहाड़ों का व्यू। सो यहाँ पे पहुँचना अपने आप में एक ब्लेसिंग है, ऐसा जगह हमारा मेघालय में होना मेघालय के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक ब्लेसिंग है। नाउ मैंने स्विट्जरलैंड को अपने आंखों से आज तक देखा नहीं, बट मैंने काफ़ी सारे फिल्मों में, काफ़ी सारे फोटोज़ में, काफ़ी सारे वीडियोस में देखा है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद आई एम श्योर दैट ये जो प्लेस है ये देखने में कोई स्विट्जरलैंड से कम भी नहीं है। आप जब यहाँ पे आओगे कुछ रियलाइज करोगे। एज यू गाइस कैन सी द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट, और यू में से मेघालय है ना ब्रदर। इसने भी जिंदगी में कभी स्विट्जरलैंड देखा नहीं, यही सोच रहा हूँ कि मैं यही रुक जाऊँ पूरा जिंदगी। अच्छा, पूरा जिंदगी में अच्छा लग रहा है। हाँ, ये साथ अच्छा लगा, तुम लोग भी आ जाओ गाइस। ये मैंने प्लानिंग किया है इस जगह कराने के लिए, इस जगह घूमने के लिए आ जाओ इधर। एंड ये ऐसे बनी बनाई बात नहीं है, सच बात है कि यहाँ पे आके आप काफी अच्छा फील करोगे, मतलब आप रियलाइज नहीं करोगे, बस इतना बात है।
तो यहाँ पे एक फैसिलिटी काफी अच्छा है, अगर आप फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, रात यहाँ पे आप बिता सकते हैं, चाहे जितना दिन भी आप चाहो। यहाँ पे गढ़ है एंड कैंपिंग सेटअप है, यानी कि टेंट सेटअप है। आप यहाँ पे फेथ करके 800 to 1000 rupees दे करके आप यहाँ पे रात बिता सकते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। ये चीज़ सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप रात बिताते हैं तो एक फ़ायदा ये है कि यहाँ का आप सुबह का जो नज़ारा होता है वो हर जगह का अलग होता है, तो यहाँ का अलग है एंड रात का जो नज़ारा होता है वो अलग होता है एंड दिन का जो नज़ारा होता है वो अलग होता है। तो आप सभी सभी टाइम का आप मज़ा ले सकते हैं आप अगर यहाँ पे रहते हैं, स्टे करते हैं। तो ये चीज़ अच्छा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जल्दी बाघ बाघ जा रहा है, बाघ बाघ राजा आ रहा है।